हज यात्रा को लेकर प्रदेश में तैयारियां जारी हैं। इसी कड़ी में यात्रा में भाग लेने वाले हज यात्रियों के लिए नाहन में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर के आयोजक कैप्टन सलीम ने बताया कि इस वर्ष जिला से 28 हज यात्री यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन यात्रियों को जांच शिविर के दौरान कोरोना वैक्सीन लगाने के अलावा हज यात्रा नियमों पर जानकारी दी गई। जब हम लोग हज करने जाते हैं, हज के बाद जब वापिस आते हैं तो हमारे तमाम गुनाह जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और वहाँ जाके हाजी जो हैं वो अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं, और वो दुआएं वहाँ अल्लाह के घर में कबूल होती हैं। इसलिए जो अपने हर काम से, मतलब दुनियावी काम से जो लोग निपट जाते हैं, मतलब उनको कोई नहीं होता, बच्चों की शादियाँ कर दी, मकान बना दिया या और तरह से दुनियावी कामों से जो मतलब उनके ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद वो लोग तकरीबन हज करने के लिए जाते हैं। स्वास्थ्य जांच अधिकारी डॉक्टर निसार अहमद ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार हज यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला सिरमौर से हज पर जाने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य जाँच के अलावा उन्हें वैक्सीन भी सरकार की ओर से निःशुल्क लगाई गई। पूरे सिरमौर का जो जितने हाजी हैं सभी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनको मेडिकल जांच की जा रही है, उनको उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और ये सारी सेवाएं सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में दी जा रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का सरकार है, जो सरकार है वो बहुत अच्छा से देख रही है, और जिसको जिस तरह की सुविधा चाहिए उनको वो दे रही है।